हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेड टॉक। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज़ आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और बहुत लोगों की डिमांड थी कि एक एक्सपायरी स्पेशल वीडियो बनाया जाए। तो मैं आज पूरा दिन सिर्फ फिन निफ्टी में ही ट्रेड करूँ और यहाँ पर है ना, जो भी मैंने कैपिटल यूज़ किया है तो उस कैपिटल का मुझे 80% रिटर्न मिला है। तो इस ये वीडियो जो है ना, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज़ एक ट्रेड ऐसा आया था ना कि जहाँ पर मुझे लगा कि ये ट्रेड अच्छा जाएगा, मैंने ऑर्डर भी प्लेस कर दी, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैपिंग हो सकता है, तो मैंने झट से वहाँ से मेरी ऑर्डर जो थी वो मैंने कैंसिल कर दी। तो वहाँ पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और बाकी के जो मैंने सिर्फ दो ही ट्रेड किए हैं और दो ही ट्रेड में मैंने अच्छा प्रॉफिट निकाला जितना भी मैंने कैपिटल यूज़ किया था। तो वेल, आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज का आपका दिन कैसा गया, आपने प्रॉफिट किया है, लॉस किया है और किस इंडेक्स में आपने ट्रेड किया है। तो चलिए, यहाँ पर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, मैं आपको स्क्रीन पर ले जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं फिन निफ्टी में एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर रही हूँ। यहाँ पर जैसे ये लेवल ब्रेक होती है 23,650 की, तो मैं एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करूँगी। मैंने ऑलरेडी एक 23,600 का कॉल भी ऐड कर लिया है। मार्केट है ना यार, पता नहीं सुबह से ना एक साइडवेज जोन में ही था, तो कुछ ऐसा ट्रेड करने का चांस ही नहीं मिला और कंटिन्यू इसी लेवल से ना मार्केट रिजेक्शन ले रहा था 650 से। तो जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा ना, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मार्केट अच्छे से ऊपर जाएगा। तो बस मैं उसी एक ब्रेकआउट का सुबह से वेट कर रही हूँ, देखते क्या। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये कैंडल ब्रेक कर देगी ऊपर इस लेवल को, तो फिलहाल तो प्रीमियम एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। ओके, चलो फिलहाल तो प्रीमियम कुछ 54 के आसपास चल रहा है और मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि फिन निफ्टी ना प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। एक बार है ना ऑर्डर लगा देते, देखिए ब्रेकआउट बहुत अच्छे से आया है। यहाँ पर जल्दी से ना मैं ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। उसके बाद थिंक कुछ 64 के आसपास मुझे लग रहा है, ठीक है। अभी भी कुछ 30-40 सेकेंड बाकी है, थोड़ा सा और टाइम जाने देते हैं, तब मैं प्लेस कर दूंगी ऑर्डर मेरी। ठीक है, चलो यहाँ पर मैंने 64 पर मेरी लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिए, तो आई जस्ट होप कि इसी लेवल पर मुझे मिल जाए बिकॉज मुझे ज़्यादा हाई पर बाय नहीं करना था। ठीक है, स्कैल्पर मोड भी रेडी कर लेते हैं। देखिए ऊपर है ना, मेरे हिसाब से अच्छा स्पेस पड़ा है मार्केट को ऊपर। ओके, चलो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई है 64 पर। देखिए जैसे एग्जीक्यूट हो गई, हमारा ग्रीन में ही चल रहा है, तो ये एक कंफर्मेशन हो जाता है कि हमने जो भी प्लान की थी एंट्री वो एक्यूरेट ही थी। मैं जो टारगेट है, ये मेरा ये जो प्रीवियस कैंडल है इसके हाई पर मैं प्लान कर रही हूँ, 72 के आसपास। ओके, 641, नाइस। स्कैल्पर मोड भी रेडी है, 607। ओके, चलो 720, अभी तक तो बहुत अच्छे से जा रहा है हमारा। ओके, 1000 कुछ आई थिंक 1100 के आसपास गया था। ओके, आई थिंक थोड़ा सा है ना ये जो लेवल, इसे मॉडिफाई कर लेते हैं 70 के आसपास बिकॉज़ देखिए इसी लेवल से ना मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया था। ओके गुड, 821, 1000। ओके ओके, चलो यहाँ पर 1000 थोड़ा सा और ऊपर जाने देते और ट्रेड को कट कर देंगे, लेवल को जैसे टच करते हैं। ओके चलो, यहाँ पर मैंने ट्रेड को कट कर दिया है, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते। ओके नाइस, 967 पर हमने कुछ 1100 के आसपास किया था ट्रेड को बुक, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। तो फर्स्ट ट्रेड तो बहुत अच्छा गया है मेरा, तो जैसे अब कोई नेक्स्ट ट्रेड मिलता है देखते। ओके देखिए यहाँ पर ना मैं आपको एक बार फिन निफ्टी दिखा देती हूँ,
देखिए, फिलहाल तो टाइम हो रहा है कुछ 2:05, और फिर निफ्टी ना सुबह से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना नीचे से, इसे कंटिन्यूअसली बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था और एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाकर है ना मार्केट ऊपर जा रहा था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाकर मार्केट ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड प्लान कर रही हूँ कि जैसे ही ये जो ट्रेंड लाइन है ना इसका ब्रेक डाउन होगा ना नीचे से, तो मैं एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करूँगी। लेकिन सिर्फ मेरा एक क्राइटेरिया यही है कि थोड़ा सा नहीं है 650 के ना ज़्यादा रिजेक्शन ना ले 650 से, बिकॉज 650 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है और सुबह से इसी लेवल को है ना मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था, 23,000 और 650 को। और अगर हम लास्ट एक्सपायरी भी देखेंगे ना फिन निफ्टी की, तो आई थिंक आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे ही सेम पैटर्न था कि मार्केट है ना कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, डाउन साइड का ट्रेड बन रहा था। और जैसे ही वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई ना, मार्केट पहले तो नीचे आ रहा था ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, और जैसे ही वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई ना मार्केट ने इतना बड़ी अच्छी रैली दिखाई है ना अपसाइड के लिए, उसने ना कोई साइकोलॉजिकल लेवल को फॉलो किया ना ओआई डेटा, सिर्फ एक बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर मार्केट ऊपर गया। तो सेम यही आज मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ओके, कुछ 30 सेकेंड्स बाकी हैं अभी भी, एक बार है ना ऑर्डर प्लेस कर देते, उसके बाद मैं आपको लॉजिक और मेरी साइकोलॉजी एक्सप्लेन करूँगी। और कुछ आई थिंक 89 के आसपास। फिलहाल तो नीचे से इतना रिजेक्शन नहीं है, तो मैं एक जल्दी से शार्प फॉल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर एक स्पाइक में बाइंग हो जाती है ना तो ठीक है, और अगर थोड़ा सा भी टाइम लगता है ना, जैसे फिलहाल तो रिजेक्शन मिल रहा है नीचे से, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा वेट कर। एक स्पाइक में अगर निकल जाए ना तो अच्छी बात है, नहीं तो डीके हो जाएगा प्रीमियम, मुझे वो नहीं चाहिए बिकॉज आज एक्सपायरी है। ठीक है, ओके, चलो मैंने प्लेस कर दी ऑर्डर 175 क्वांटिटीज से। ये ना शार्प फॉल आना चाहिए था, थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ ऑर्डर प्लेस। नहीं, बिकॉज यहाँ पर है ना मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दी। इसका ना आपको रीज़न बताती हूँ कि लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी ना तो बहुत ही ज़्यादा शार्प फॉल हुआ था, एंट्री करने को भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस मुझे सेम उसी तरह का एक ट्रेड चाहिए था, बिकॉज आज एक्सपायरी भी है तो मुझे ज़्यादा डीके नहीं लेना था, तो मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दी। वो हमने 89 के आसपास कुछ ऑर्डर प्लेस की थी। ओके, फिलहाल तो 90 चल रहा है, देखते यहाँ से हमारी ट्रेड जो मैंने पहले प्लान किया था उस हिसाब से जाता है या फिर अभी जैसा दिमाग में आया कि नहीं यहाँ से शायद ट्रेड रिवर्स हो सकता है। देखिए, ओके देखिए, यहाँ पर देखिए एक रिवर्स बना है, मतलब जो हमने ऑर्डर कैंसिल कर दी ना वो एक अच्छा डिसीजन था, बिकॉज यहाँ पर है ना मुझे एक शार्प फॉल एक्सपेक्टेड था, बिकॉज पैनिक सेलिंग भी हो जाती है और एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास भी था मार्केट 650 के। तो ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड का वेट करेंगे, सेम साइकोलॉजी में यूज़ करूँगी। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है अच्छे से तो हम डाउन साइड के ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, तो देखते अब कब होता है, एक बार ओआई भी चेक कर लेते। देखिए 123,650 पर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग बिडिंग लगी हुई थी, तो ठीक है, 3:05 हुए हैं और मार्केट कंटिन्यूसली एक साइडवेज जोन में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक अपसाइड के लिए लेवल मार्क कर लिए। अब मेरी साइकोलॉजी सिर्फ यही रहेगी कि जैसे ही इन दोनों में से जो भी लेवल का ब्रेकआउट आता है उस साइड पर मैं ट्रेड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कॉल और पुट दोनों का ही प्रीमियम ऐड कर लिया है ऑलरेडी, और अब देखिए आईवी भी स्पाइक होगा और एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पर जैसे ये डाउन साइड की लेवल ब्रेक होती है ना तभी मैं मेरी एंट्री प्लान कर दूंगी, बिकॉज ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, प्रीमियम अगर हम देखें तो कुछ 106 के आसपास है, 107। ओके, यहाँ पर ये पैनिक सेलिंग में ना एक्सपेक्ट कर रही थी। चलो, स्कैल्पर मोड भी रेडी है, कुछ 100 क्वांटिटीज के साथ ट्रेड प्लान करेंगे। ओके,
23,750 का पुट है। ओके चलो यहाँ पर मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ। ठीक है फिलहाल तो हम माइनस में चल रहे हैं, लेकिन जैसे ये पैनिक सेलिंग ये जो आ रही है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग है कंफर्मेशन, बिकॉज मार्केट एक साइडवेज जोन बना रहा था। तो यहाँ पर आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर एक अच्छा फॉल आएगा। ओके चलो देखते क्या होता है। फिलहाल तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट पर ही चल रहे हैं। देखिए स्पाइक देखिए कितनी बड़ी बड़ी स्पाइक आ रही है। ये मैं उस फर्स्ट ट्रेड में जो मैंने आपको देखा है ना अभी, उस ट्रेड में मैं करने का ट्राई कर रही, लेकिन तब मुझे मिला नहीं। तो ठीक है कोई बात नहीं। 352 नाइस, 457, 507। देखिए यहाँ पर मैंने क्वांटिटीज भी बहुत कम रखी है, 100 क्वांटिटीज से ट्रेड किया। ओके 922, 123 पर है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं बुक कर दूँ। ठीक है 124 के आसपास मैंने कुछ किया था एग्जिट, एक बार देख लेते रिफ्रेश करके। ओके 123.5 पर आई थिंक हुआ था हमारा ट्रेड एग्जिट। ओके देखिए जहाँ पर हमने एग्जिट किया ना, वहाँ से ही रिजेक्शन आ रहा है। मतलब जो हमने टारगेट प्लान किया था वो बहुत ही एक्यूरेट टारगेट था 123 के आसपास। तो आज के लिए सिर्फ मैंने दो ही ट्रेड किए, एक फिन निफ्टी में मैंने सुबह ट्रेड करा था, और उसके बाद में एक आफ्टर 3 बजे के बाद मैंने ट्रेड किया था, बिकॉज आज एक्सपायरी भी थी। तो वेल आई होप आपको आज का वीडियो भी पसंद आएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका आज का दिन कैसा गया है। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।